परसों के लेसन में हम लोगों ने लेक्चर में डायलॉग राइटिंग जो है वो हम लोगों ने देखा है। डायलॉग राइटिंग के तीन प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है जंबल्ड सेंटेंसेस, में से आपको चार सेंटेंसेस जंबल्ड दिए जाते हैं। जंबल्ड मतलब उल्टे सीधे दिए जाते हैं, आपको सही करके वो डायलॉग लिखना होता है। सेकंड टाइप होता है कंप्लीट द डायलॉग, मतलब एक क्वेश्चन दिया जाता है उसका रिस्पॉन्स आपको देना है, बराबर है। और थर्ड जो होता है उसमें एक थीम दी जाती है, थीम मतलब विषय दिया जाता है, और इस विषय पर आपको एटलीस्ट तीन एक्सचेंजेस ऑफ डायलॉग्स जो है वो लिखने जरूरी होते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा डायलॉग राइटिंग है वो कितने मार्क्स के लिए आता है, 5 मार्क्स के। इसके लिए सबसे आसान बात होती है कि हम लोगों को इमेजिन करना पड़ता है कि वी आर जस्ट टॉकिंग टू समवन एल्स, हम किसी से बात कर रहे हैं और वो बात उस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। ऐसा अगर जब हम इमेजिन करते हैं, हम सोचते हैं, तो अपने आप अपने मन में क्या आता है कि क्या बोलना चाहिए। तो सबसे पहला पार्ट जो है बहुत आसान है, वो है जंबल्ड सेंटेंस का। आज हम लोग फिर से उसके 4 एग्जांपल्स लेने वाले हैं। एग्जांपल की प्रैक्टिस करोगे तो वो पक्का होता जाएगा। ये 1 मार्क की है, फिर से देखो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट डायलॉग जो है मैं पढ़ती हूँ, ज़रा ध्यान दीजिए। आई प्रीफर कॉफी प्लीज प्लीज, थैंक्स अ लॉट, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, ओके टू कॉफी प्लीज। अब इसकी सबसे आसान तरीका क्या होता है बताना, किसे समझने की कोशिश करो। पहला आई प्रीफर कॉफी प्लीज, मैं कॉफी प्रीफर करता हूँ, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी पसंद करोगे, ओके टू कॉफी प्लीज। तो इनमें से आपको क्या लगता है कि कौन सा वाक्य पहले आया होगा, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी। इसको देते हैं हम लोग ए से क्वेश्चन, बराबर है A1, बराबर है। हम लोगों ने क्या किया है, डायलॉग लिखते समय ए और बी लिया है, यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 दिया जाता है, लेकिन हमें क्या करना है, डायलॉग लिखना है। तो हम लोग ए और बी के बीच का डायलॉग दिखाते। तो ए का पहला वाक्य कौन सा था, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी। तो इसका जवाब क्या देंगे, आई प्रेफर कॉफी, मुझे क्या पसंद है, कॉफी। तो ये किसका जवाब है, बी का है, बी का पहला सेंटेंस है, बराबर है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, दूसरा वाक्य है ना, ये मैंने वन मतलब पहला वाक्य, टू मतलब दूसरा वाक्य, ए मतलब जो पहला बोलने वाला उसका ए दे दिया, और जो दूसरा रिस्पॉन्स देगा उसको क्या दिया था, बी दिया था ना। आपको इसको सही करके, अभी मैंने सिर्फ क्या दिए हैं, उसके सामने नंबर्स दिए हैं, आपको पूरा क्या लिखना है, परीक्षा में आपको ऐसे लिख के चलेगा क्या, नहीं। यहाँ पे हम लोगों को जरूरत कम है इसलिए हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि प्रॉपर डायलॉग लिखना है, ओके। अब नेक्स्ट की तरफ चलो, आई थिंक अथर्व मोरे, मुझे लगता है कौन है, अथर्व मोरे है, यस ही इज ऑलराउंडर, हाँ वो कैसा है, ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर का मतलब क्या है, उसमें सारे गुण हैं। Who is the captain of our school cricket team? हमारे स्कूल क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है? Do you think he is capable? क्या तुम्हें लगता है कि वो कैपेबल, मतलब उसमें कैपेसिटी है? अब देखो पहला कौन सा आ सकता है? Who is the captain of our school cricket team? इसको हम लोग क्या देंगे? A1. ये रहेगा हमारा A1. इसका जवाब क्या आएगा? स्कूल क्रिकेट टीम का कैप्टन आई थिंक अथर्व मोरे, इसको क्या आएगा, B1। दूसरे का ये रिस्पांस है। फिर इसके बाद सवाल क्या पूछा गया, डू यू थिंक ही इज कैपेबल, तुम्हें लगता है क्या कि वो कैपेबल है, तो इसको क्या आएगा, A2 आएगा। और ये सीरीज ऑलराउंडर, हाँ वो कैसा है, ऑलराउंडर, इसको क्या आएगा, B2 आएगा। हेलो डू यू यूज मोबाइल, क्या तुम मोबाइल यूज करते हो, व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों, अब बताइए इनमें से पहला कौन सा आएगा, हेलो डू यू यूज मोबाइल, ये आएगा A1।
B1 आएगा, फिर इसके बाद Y से शो क्यों नहीं अलाउ करते तुम्हारे पेरेंट्स, इसको आएगा A2, क्यों अलाउ नहीं करते, इसको क्या आएगा नंबर B2, आ सकते हैं। फिर क्लास से देखो, मैं आई नो योर नेम प्लीज, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? यस आई कम हियर फ्रॉम नागपुर, हाँ मैं नागपुर से यहाँ आई हूँ। आई एम आशा, मैं कौन हूँ? आशा। आर यू न्यू इन दिस स्कूल दिस ईयर, इस स्कूल में तुम नहीं हो क्या? अब इसमें से पहला वाक्य क्या होगा? आई एम आशा। सोचो ठीक से, पहला सेंटेंस क्या आएगा? आर यू न्यू इन दिस स्कूल दिस ईयर, इस साल तुम इस स्कूल में नहीं हो क्या? इसको क्या आएगा? तो क्या आएगा जवाब? Yes, I am here from Nagpur. हाँ मैं यहाँ नागपुर से आई हूँ। ये क्या आएगा? B1 आएगा ना। फिर उसके बाद मैं आई नो योर नेम प्लीज, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? तो इसका क्या है? A2। और जवाब क्या आएगा? R है आशा। ये क्या आएगा? हो गया क्लियर, सही आया? इसका आप लोगों ने देखा उस दिन चार की प्रैक्टिस हो गई, आज फिर से चार की प्रैक्टिस हो गई। और इसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको क्या हो कैसा आएगा, परफेक्टली आता जाएगा। ऐसे में